किसी भी समाज के उत्थान के लिए उस समाज का शिक्षित होना आवश्यक होता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को उड़ान दे सकते हैं। भारत देश की नींव उसके गांव की व्यवस्था है, और जब तक आप इस गांव व्यवस्था में शिक्षा के स्तर को सशक्त नहीं कर सकते, तब तक गांव वासियों को मुख्य धारा में लाना संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश गाँव में सरकारी शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। कहीं स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है, तो कहीं स्कूलों में बैठने की व्यवस्था और बाउंड्री भी नहीं है। वहीं कहीं देखने को मिलता है कि गाँव वासियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। वहीं हम कह सकते हैं कि आज भी गाँव में शिक्षा का स्तर सुधरा नहीं है। इसी के तहत ABPS न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक छजलेट में स्थित गांव साहूपुर पड़ा। लगभग 10,000 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर, तो वहीं ब्लॉक से इस गाँव की दूरी 15 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गाँव के प्रधान नूर अहमद है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए गए हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 160 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 13 सीसी टाइल्स रोड, प्राइमरी विद्यालय की बाउंड्री तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 350 शौचालयों का निर्माण कराया है। वहीं पेयजल आपूर्ति के लिए गांव में 49 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 50 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गांव में 150 विद्युत पोल, 30 विद्युत ट्रांसफार्मर तथा 20 सोलर लाइट भी लगवाई गई हैं। वहीं ABPS न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गाँव में सड़क निर्माण, पंचायत घर, शमशान घाट, पानी की टंकी, स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की मांग राज्य के केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधान पुत्र ग्राम पंचायत, मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, ग्राम पंचायत साहूपुर, ब्लॉक छजलेट और जिला मुरादाबाद का निवासी हूँ। हमारे गांव में अब तक हमने गांव में विकास के तौर पर जाल लगवाए हैं और नालियाँ बनवाई हैं और सीसी टाइल्स कराए हैं और कुछ खड़ंजे कराए हैं, और गांव में डस्टबिन भी लगे हैं, शौचालय बनवाए हैं स्कूलों में, सभी स्कूलों में शौचालय बनवाए गए हैं, और गांव के एक स्कूल में सीसी टाइल्स कराई है अंदर कमरों में। हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या तो पानी को लेकर है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पहले जो अफसर पूर्व प्रधान थे, उन्होंने सब ने पानी जगह जगह हर तरफ को कर रखा था, जिधर गाँव से बाहर को रास्ता था उसमें वो पानी कर रखा था, वो पानी लोगों के खेतों में जाता था, निजी खेतों में को। अब उन खेतों वालों ने पानी जो है बंद कर दिया है, तो पानी जगह जगह गांव में आज भी भरा हुआ है, इस मौके पर मौजूद है, जगह जगह बंदे लगे पड़े हैं, लोगों को पानी की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। और वो पानी लगभग 100 मीटर की दूरी पर यहां से एक नदी आएगी, गंगा नदी, और 100 मीटर की दूरी पर दूसरी तरफ एक डेयरी आएगी, तालाब, और उन तालाबों में कोई रास्ता नहीं है उस पानी के लिए। गाँव के लोग ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है पानी के लिए, और लोगों ने अवैध कब्जा, मतलब जो ग्राम सभा की लगभग 53-54 बीघा ज़मीन है वो दबा रखी है, दबंगों ने जोत रखी है, उसे छोड़ने के लिए राजी नहीं है। और गांव का जो कूड़ा है वो कूड़ा सड़कों पर पड़ता है, उससे बरसात के मौसम में बीमारियां पड़ती हैं, बीमारियों को ज़्यादा खतरा रहता है, और चलने फिरने में भी दिक्कत आती, कीचड़ होता है, वो कब्जा छुड़ाया जाए जिससे कि लोगों को ज़मीन मिल पाए गांव में कूड़ा डालने के लिए। और गांव में स्वास्थ्य घर नहीं है, और गांव में पंचायत घर नहीं है, ये दो चीज़ें बनवाई जाएं। और हमारे गांव में अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना से किसी को कोई मकान नहीं मिला है, लगभग 1.5 साल हो चुका, ऑनलाइन फार्म कराए हुए भी और मुझे लिस्ट दी हुए भी, पर अभी पास नहीं मिला है, धन्यवाद। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा गांव में बहुत से विकास कार्य कराए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार से मिलने वाली धनराशि की किस्त समय पर ना मिलने के कारण गांव में विकास कार्य धीमी गति से चल रहा है। ये नरेश कुमार ग्राम पंचायत साहूपुर विकास खंड छजलेट जिला मुरादाबाद के निवासी हैं, और इनका मकान जो है अब प्रधानमंत्री आवास योजना में है और पात्र भी हैं, और कई बार सर्वे हो चुका मगर इनका मकान जो है अभी तक नहीं आया है। और ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनका अभी तक कोई मतलब आवास के बारे में कोई वही नहीं है बिल्कुल भी, और नाम सब कुछ प्रॉपर हैं पर ऐसे ही टलगा देते हैं। मैं भी काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद भी जो है कोई लाभ नहीं मिल पा रहा।